हम आपको बताते हैं कि छिंदवाड़ा जिले के चौरई विधानसभा के बारे में यहां पर चुनावी रणनीति बहुत ही जोर शोर से चल रही है। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान चौरई विधानसभा के हर क्षेत्र में, हर गांव में, शादी समारोह में या अन्य कार्यक्रम पर वहां पर पहुंच रही हैं। तो लोगों के मन में, जनता के मन में ये भी चल रहा है कि चौधरी चंद्रभान चौरई विधानसभा में चुनाव लड़ सकते हैं। जब कैबिनेट मंत्री से मीडिया ने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यदि पार्टी मुझे चौरई विधानसभा से लड़ने का अवसर देगी तभी चुनाव मैदान में मैं आ सकता हूं। मैं हर समय चौरई विधानसभा में इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि यहां की जनता से मेरा आत्मिक व्यवहार है और मैं हर कार्यक्रमों में पहुंच रहा हूं। लेकिन चौरई क्षेत्र की जनता तरह तरह के विचार कर रही है और इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल पार्टी की जो मंशा होगी वही मुझे स्वीकार होगा। जन अधिकार सेवा समिति के जिला अध्यक्ष संदीप रघुवंशी ने बताया कि 22 मई को चौधरी चंद्रभान का जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन चांद बोहता से किया जाएगा। शादी समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान, नीमी चंद, संदीप रघुवंशी आदि उपस्थित थे। आप सभी जानते हैं हमारे लाडले नेता, पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, मेरे मामा जी चौधरी चंद्रभान सिंह जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और जिन्होंने जिले के लिए कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। ऐसे हमारे लाडले नेता का जन्मदिवस 22 मई दिन सोमवार को वृंदावन भवन में हम मनाने जा रहे हैं, जिसको हम जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। हम सब कार्यकर्ता, हम सब शुभचिंतक और हम सब परिवार और समाज के लोगों के माध्यम से एक सेवा कार्य करने जा रहे हैं, जो कि निःशुल्क स्वास्थ्य आयुर्वेदिक नेत्र शिविर के रूप में दोपहर 10-11 बजे से शाम के 5 बजे तक निःशुल्क जांच करेंगे। जांच के साथ में उसमें निःशुल्क दवाइयां और अन्य परामर्श भी दिए जाएंगे, जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी बाहर इलाज होना है छिंदवाड़ा के बाहर, वो भी इस कैंप में करवाया जाएगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग इस जन्म दिवस पे उपस्थित हों और इसके बाद शाम को सुंदरकांड का आयोजन भी 4 बजे से 6 बजे तक इसी कार्यक्रम स्थल पर वृंदावन लॉन में किया गया है। शाम को 7 बजे से जन्म दिवस दीप प्रज्वलन करके सबके साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, परिवार के रूप में मनाया जाएगा। आप सभी कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ जनों से और परिवार के सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आप सब इस भव्य कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। भोजन व्यवस्था भी की गई है, आप सबसे निवेदन है यहाँ आकर भोजन प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। दिनांक 22 मई 2023 दिन सोमवार को वृंदावन लॉन में आयोजित जन्म दिवस में आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। एनबीसी न्यूज के लिए चौरई से संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।